कृषि मंत्री कमल पटेल इंदौर के पितृ पर्वत स्थित संकट मोचक हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे और प्रदेश की सुख समृद्धि के साथ किसानों के कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि बिल में जो सुधार किए गए हैं वे किसान के पक्ष में हैं, लेकिन विरोधी पार्टी जानबूझकर किसानों को भ्रमित कर रही है। कमल पटेल ने कहा कि किसानों से अब तक खेती कराई गई लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने जो सुधार कृषि बिल में किए हैं उससे किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों को लाभ मिलेगा। कुछ जगह विरोध हो रहा है, उसका एक ही कारण है कि विरोधी किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। अगर इसमें कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए बात हो सकती है, लेकिन बिल वापस लेने की मांग सही नहीं है। उन्होंने कहा भाजपा चाहे जितना अच्छा कार्य कर ले, विपक्ष उसका विरोध जरूर करता है। उन्होंने पीएम मोदी को मारने की बात की निंदा की और कहा इस बात की पूरे देश के नागरिक आलोचना कर रहे हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुना करना है 2022 तक, तो करके रहेंगे। और उसी के लिए ये जो नए कानून बने मंडी मॉडल एक्ट के लिए या कृषि बिल में जो संशोधन किए, तीन बिल हैं, ये तीनों बिल किसानों के हित में हैं और इससे किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी। कुछ चीज़ों के ऊपर हो सकता है तो अगर वो हमको कन्विंस करा देंगे सरकार को तो सरकार उसको मान लेगी, लेकिन इससे किसानों के जीवन में नया परिवर्तन आएगा और ये बिल वापस लेने पड़े हुए ठीक नहीं है। अगर उसमें कोई किसी कंडिका पे कोई दिक्कत है तो सरकार ने खुले मन से कहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पूरा समय दिया बात की, लेकिन ये जो मेरे को लगता है विरोध है अड़े हुए हैं, इससे स्पष्ट है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टी और विरोधी संगठन, जो हम देश हित में कितना ही अच्छा काम करें कभी तारीफ नहीं करेंगे, कभी नहीं चाहेंगे कि वो देश में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करें, और इसलिए जानबूझ के इस तरह से भड़काया जा रहा है, किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि एक ही पार्टी सरकार है तो कोई विरोध नहीं कर सकेगा, ये लोकतांत्रिक है, सबको विरोध करने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस प्रकार कोई मांग होती है, समझौता होता है सरकार में जनता में, मैं कह रहा हूँ कि आप किसी मेरे बात से विचार से सहमत नहीं है, या तो आप मुझे कन्विंस कराएं या मैं आपको कन्विंस कराऊँ। अब उन्होंने कहा हम तो मानने को तैयार नहीं है बिल। अरे भाई, लोकसभा ने, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति कौन होती है? जनता, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, विधायक, सांसद, वो कानून बनाते हैं। लोकसभा ने कानून बनाया, राज्यसभा ने कानून बनाया, सरकार ने कानून बनाया, जनता का सबसे बड़ा संसद है, सबसे बड़ा मंदिर है, सर्वोच्च संस्था है। वो कुछ संगठन और कुछ विरोधी लोग कह देंगे तो उसको कर देंगे। इसने कहा है कि इंदिरा जी को ठोका है, मोदी जी को ठोक देंगे, उसकी निंदा की है। और कोई भी आदमी नागरिक देश का निंदा करेगा। कमल पटेल ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनको नमन किया और कहा कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर कार्य करेंगे। समाज और राष्ट्र हमारा परिवार है, सबका ख्याल रखते हुए विकास कार्य किया जाएगा, यही मंशा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी थी। भारत के संविधान निर्माता, गरीबों के मसीहा, भारत माता के सच्चे सपूत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हम सब बाबा साहब के नाम से हजार से मानते हैं। आज उनकी मुझे लोग समाज मैं उनके शिक्षकों के संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।